जो 25 तारीख को झंडा लगाया जाता है हमारे मुख्यमंत्री साहब सदरात के अंदर, जो सदर है, जो उनकी सदारत में जो झंडा चढ़ाया जाता है, वो आज झंडा उनकी इजाज़त से उतार लिया गया है। और उस ख़त्म होने के बाद हर 9 तारीख को ये उतार दिया जाता है और हवेली में पहुंचा दिया जाता है। ये रस्म है, पुरानी कदीमी रस्म है। इस रस्म को नूरू सी हमले के लोग जिस तरीके से स्टार्टिंग में करते हैं, उसी तरीके से उतारने की भी रस्म नूरू सी हमले के लोग करते हैं। तो आज 9 तारीख का दिन है, गुस्ल के बाद कुल हो जाता है सुबह, और उसके बाद ये झंडा उतार दिया जाता है असर की नमाज के बाद। जिस तरीके से नमाज के बाद चढ़ाया जाता है, उस तरीके से नमाज के बाद फिर उतारा जाता है। तो सरकार गरीब नवाज के सारे मेहमानों के लिए, हम सब भी मोरू से हमले के लोग सरकार में दुआ करते हैं कि वो साथ खैरियत के अपने घर पहुंच जाए। और सरकार गरीब नवाज उनकी जो भी तमन्ना और जो भी लेके गए थे मुरादे, यहाँ से लेके आए थे और लेके गए, उनको सबको गरीब नवाज के दरबार से फैज हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। ले देखियो इधर, चलो ओए नीचे आ। खेल ले और अपनी खेत में चला लो। अर्शद Thank you.
मुबारक पेश किया पच्चीस जमाती हुसैनी को, और आज बड़े कुल की दशम के बाद असर की नमाज के बाद नौ रजब को असर की नमाज के बाद ये झंडा उतारने की रस्म अदा हो रही है। और ये झंडा उतारने के बाद टोली साहब के यहाँ सुरक्षित रखा गया। Thank you.